तबरेज आलम सोसाइटी के लिए बने मिसाल। एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट है 8th मिस्टर के तबरेज आलम, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है कि आज वो मिसाल बन चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट से उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 1.23 लाख है। हालांकि अमाउंट की बात करते हैं वो भले ही कम हो, लेकिन उनकी सोच जो है वो बहुत नेक है। तबरेज आलम, माहे रमजान का महीना भी चल रहा है और उन्होंने ये जो प्रॉफिट कमाया है पास्ट वीक से, जो उन्होंने 1.23 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तबरेज आलम ने उसे पसमानदा तबके में डोनेट करने का जो है एक मैसेज लोगों को दिया है। माहे रमजान के महीने में जितने भी लोग हैं वो सदका और खैरात जो है वो देते ही रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रॉफिट उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया है और उन्होंने ये सोचा है कि जितने भी पसमानदा तबके हैं उनमें ये प्रॉफिट जो है वो तकसीम किया जाए, उन्हें प्रॉफिट दिया जाए, यानी जितनी भी मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनमें ये प्रॉफिट जो है वो बांटा जाए। और ये प्रॉफिट जो है उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया है। आपको बता दें कि तबरेज आलम ने कहा कि आजकल दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं, और तबरेज आलम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनमें ये इस अमाउंट को बांट दिया जाए, और कहीं ना कहीं एक पूरा एंटायर अमाउंट बांटने के बाद में सोसाइटी को थोड़ी तो राहत मिले। आप जानते हैं फॉर एग्जांपल कि जब बहुत सी बारिश होती है तो 2 बूंदें भी आपको सुकून दे देती हैं। तो बिल्कुल जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तबरेज आलम का ये अमाउंट जो है उन्हें कुछ तो राहत दे सकता है। आगे आपको बता दें कि तबरेज आलम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है 8th सेमेस्टर के, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है पढ़ाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट यानी जितने भी ऊपर उन्हें प्रॉफिट हुआ है वो इसे मार्जिनलाइज सेक्शन को सोसाइटी में डिवाइड कर देंगे। आपको बता दें कि डायरेक्टर एनआईटी श्रीनगर का क्या कहना है प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सैगल का, कि अप्रिशिएट करते हैं वो तबरेज आलम के इस इनिशिएटिव को, और वो कह रहे हैं कि डोनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में, क्योंकि सब लोग जो है वो अच्छा कमा नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते, तो जिन लोगों के पास है वो तो डोनेट करें। लेकिन हुआ क्या था, आपको बता दें कि उन्होंने ये प्रॉफिट कैसे कमाया। तबरेज आलम जो है उन्होंने सोसाइटी की हेल्प कैसे की है। तबरेज आलम जो है वो ढाका चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। तबरेज ने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट शुरू की थी शेयर मार्केट में, और तबरेज ने 5 लाख के ऊपर 1.23 लाख जो है वो कमाए हैं, यानी 1,23,000 उन्होंने कमाए हैं। अब तबरेज ने ये डिसाइड किया है कि वो शेयर करेंगे इस प्रॉफिट को, जो मार्जिनलाइज जो गरीब लोग हैं उनमें ये बांटा जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डोनेशन करना जो है तबरेज का क्यों ज़रूरी है। तबरेज आलम अगर आज लोगों को डोनेट कर रहे हैं तो उन्हें देखकर 4 लोग आगे आएंगे, 4 लोग जो है वो सोसाइटी में डोनेट करेंगे। और प्रोफेसर सैगल जो है वो एनआईटी श्रीनगर के, वो कह रहे हैं कि तबरेज का ये जो तबरेज आलम का ये स्टेप जो है बहुत ही वेलकम स्टेप है, मुबारक स्टेप है, क्योंकि रमज़ान के महीने में लोग जो है वो ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। तो तबरेज आलम ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर जो है वो 4 लोग आगे आएंगे, और अब सोसाइटी की ज़रूरत बन चुकी है कि जिसके पास पैसे हैं वो दूसरों को जो है वो पैसे ज़रूर दे और उनकी मदद जो है वो करे। तबरेज आलम की बात करते हैं, तबरेज ये कह रहे हैं कि ये डिसीज़न मैंने इसीलिए लिया है ताकि जो सफ़र कर रहे हैं लोग गरीबी से वो थोड़ा ऊपर आ सके, और ये मेरा स्मॉल सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके आगे मैं और भी कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। तबरेज आलम 8th सेमेस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो बिहार के चंपारण से है, और वो कह रहे हैं कि स्मॉल सा कंट्रीब्यूशन है, आने वाले समय में मैं गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे कंट्रीब्यूशन करता रहूंगा। तबरेज ने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपये जो है वो लगाए थे इन्वेस्टमेंट पर, आज तबरेज को जो है 1,23,000 का फायदा हुआ है, और तबरेज जो इस फायदे को गरीबों में जो है वो डोनेट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास भी पैसे हैं तो गरीब सोसाइटी में जो है वो ज़रूर डोनेट करिएगा, तो आपको भी देखिए कि कितनी ज़्यादा दुआएं जो हैं वो मिलेंगी।